यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने हमें यह प्यारा मुल्क अता फरमाया और इस प्यारे मुल्क को आज़ाद हुए हुए आज 76 ईयर्स हो गए हैं। कल हर जगह पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, हमने भी जर्मनी में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और मेरे बच्चों को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बहुत पसंद है और इस बात का अंदाज़ा आपको वीडियो देखकर हो जाएगा। ये जो सीन आप देख रहे हैं विंडो के ऊपर फ्लैग जो है बच्चों ने तकरीबन 4-5 मंथ से पेस्ट किया हुआ था कि जब हमारा इंडिपेंडेंस डे आएगा तो हम इसको ओपन करेंगे, तो ये आज ही इसकी ओपनिंग सेरेमनी है और बच्चों ने इतना अच्छा अपना सेलिब्रेट किया आज। जमाने माजी शाने हाँ जाने इस्तकबाल साए खुदाए जुल जला पाकिस्तान। तो जी वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चों को किस कदर शौक़ था इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का और ये इन्होंने जितने ड्रेस पहने हुए हैं पाकिस्तान के और उसके बाद ये जो क्रिकेट टीम वाले पहने हुए हैं ये सब इनकी बड़ी खाला ने इनके लिए लास्ट ईयर से लेकर इतनी चीज़ें इकट्ठी की हुई थी उन्होंने, जो हाफ़ हमने यूज़ की और अभी भी कुछ पड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 2 ईयर से ये जब भी बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स आती थी पाकिस्तान से तो ये देखते थे, तो ये कहते थे कि हमें भी ऐसी ही चीज़ें चाहिए, हमने पाकिस्तान का डे सेलिब्रेट करना है। तो ये हम इस बार जब पाकिस्तान गए थे तो वो सारी चीज़ें इनकी बड़ी खाला ने दी कि अब इस इंडिपेंडेंस डे पे इनको पहनानी है, जिसको पहन के बच्चे बहुत खुश थे और बहुत ही ज़्यादा वो सेटिस्फाई थे कि हमने भी पाकिस्तान जैसी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया है। घर पे एक इतना प्यारी सी सेलिब्रेशन करने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे जी एंजॉय करने के लिए इनडोर प्लेग्राउंड में, और यहाँ पर आकर बच्चों ने इधर भी काफ़ी सारे नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के खेल के दौरान में। तो काफ़ी सारा रश था यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों को लेके आए हुए थे, यहाँ पर समर वेकेशन चल रही हैं तो वेदर भी यहाँ पर कुछ इस तरह का हुआ हुआ है कि इनडोर प्लेग्राउंड में ही ले जाना बेटर रहता है बच्चों को, बारिश हो रही है
है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी एकदम से काफ़ी देर बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना तो हम एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसके लिए हम बहुत बहुत दुआ करते हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, हमारे मुल्क में भी वो सब कुछ हो जो इन कंट्रीज़ में होता है। तो हम लोग जो है वो बच्चों के साथ वहाँ अपने ही मुल्क में रहें, यहाँ पर हम जितना भी रह लें लेकिन फिर भी ये कंट्रीज़ जो हैं वो अपने मुल्क जैसा एहसास और वो चीज़ नहीं आती जो वहाँ पर होती है। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे तो खुद ही सेलिब्रेट करना था, पाकिस्तानी कम्यूनिटी इतनी नहीं है तो इस वजह से कोई ख़ास बाहर तो पता नहीं था, लेकिन बच्चों ने इस बार बहुत इंजॉय कर लिया, ख़ासकर ड्रेसेस से वो बहुत खुश हुए और इनकी बड़ी खाला जो हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैनी थैंक्स टू हर, कि उन्होंने इनके लिए इतनी चीज़ें ली कि जिससे इन्होंने इतना इंजॉय कर लिया। तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आया था इस प्लेग्राउंड में, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, तो आप भी बच्चों के साथ इंजॉय करें। कॉफ़ी हमने बहुत मज़े से इंजॉय की यहाँ पर, क्योंकि शाम हो गई थी हमें यहाँ पर और बच्चे जो हैं अभी भी उनका दिल नहीं भर रहा था, यहाँ से निकलने को दिल नहीं कर रहा था, तो ये लास्ट पे आइसक्रीम कॉफ़ी खाना पीना करके तो हम लोग जो है वो फिर सारे दिन की सेलिब्रेशन के बाद घर वापस आए। आखिर में दुआ करूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें, और जब भी वीडियो आप वॉच करें तो लाइक प्रेस करना मत भूलिएगा। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने फीडबैक से बताइएगा कि हमारी यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।